देखिए आज मैं और दूसरा एक वीडियो लेके आया आप लोगों के लिए। देखिएगा ये हम लोग का एक साइड है ना, इस साइड में हम लोगों का जो स्टोन बोलता है, सिप्स बोलता है, उसका ज़रूरत है, इसलिए हम लोग डंपर को बुला दिया था। डंपर लेके आया, इधर स्टोन गिरा रहा हूँ हम लोग साइड में। ऐसे जो स्टोन होता है, इस स्टोन से हम लोग जो सेल्स बिल्डिंग होता है ना, उसका स्लैब को डाल दूंगा। इधर स्लैब डालाया होगा, इसकी पहले हम लोग ये लोग को बुलाया और एडवांस में ये सब कुछ स्टक कर रहा है। स्टक करना ज़रूरी है, लेकिन काम के टाइम में आपका कोई भी सामान नहीं होगा तो तब प्रॉब्लम होगा। और ट्रांसपोर्ट इधर अच्छा नहीं है, इसलिए पहले ही बुला दिया। और इधर कैनोबी जो होता है ना, पहले आप लोग को दूसरा एक वीडियो में दिखाया था मैंने, जब कैनोबी कैसे करके डालता है, ऐसे करके डाल दिया हम लोग। देखिए ये पुश भी डाल रहे हैं, अभी इसको भी कम्प्लीट होगा, उसके बाद इसको पूरा ऊपर में फिनिशिंग देगा और अंदर से पाइप भी घुसा दिया। और इस सब कुछ फिनिशिंग हो जाने के बाद इसको थोड़ा टाइम रहने दूंगा। उसके बाद जो ऊपर में एक टेम्पलेट है ना, उसको भी खोल दूंगा। खोल देने के बाद इसको पूरा रात सूखने दूंगा, उसके बाद 24 आवर्स हो जाएगा, उसके बाद हम लोग को पूरा प्रॉपर खोल दूंगा। और अभी इधर ना आपका जो बेस होता है टेंकी का, उसको भी कर रहा हूँ। और इधर कालपाट में हम लोग प्लास्टर का काम कर रहे हैं, और प्लास्टर कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, जो कालपाट का अंदर का दो साइड में प्लास्टर करना पड़ता है, ज़रूरी है, लेकिन उसको प्लास्टर घुला फिनिशिंग नहीं देने से आपका पानी का प्रॉब्लम हो सकता है, लीक आउट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके वजह से हम लोग देखने में भी सुंदर नहीं लगता है, इसलिए हम लोग प्रॉपर उस कालपाट का जो अंदर में है ना, उसको पूरा प्रॉपर प्लास्टर कर दिया। और प्लास्टर हो जाने के बाद इसको एक बार चेक कर लेता हूँ हम लोग, जहाँ सही हुआ या नहीं हुआ, देखने में कैसे लगता है। और जब काम कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम हम लोग इसको फिनिशिंग दे देता हूँ, और उसके बाद हम लोग कंप्लीट बोल देता हूँ। अभी इधर देखिए कितना पानी है, ये सब कुछ जगह पे ये लोग ना अभी ड्रेसिंग कर रहे हैं। ड्रेसिंग हो जाने के बाद इसके नीचे में ढलाई होगा, मिनिमम एक फुट ढलाई होगा। ढलाई हो जाने के बाद इसके बाद हम लोग इसको जाली बिठाऊंगा। जाली बिठाने के बाद हम लोग 4 इंची करके फिर दोबारा ढलाई कर दूंगा। ढलाई हो जाने के बाद उसके ऊपर में हम लोग टेंकी को ना हाइड्रा जो गाड़ी होता है, उस गाड़ी से लेके आया आऊँगा, और उसके बाद हम लोग इसको प्रॉपर कर दूंगा। और इधर जो पोस्ट होता है ना, कॉलम बोलता है बिल्डिंग का, वो कॉलम सब कुछ रेडी कर दिया। और इधर ये सब कुछ कॉलम एक जगह पर स्टक करके रखा हुआ है, जो रोड मिस्त्री है वो सब कुछ कॉलम बांध के रेडी कर रहे हैं। ये कॉलम सब कुछ रेडी हो जाने के बाद हम लोग इसको खड़ा करना पड़ेगा। खड़ा करने के टाइम में भी आप लोग को एक वीडियो बना के देखूंगा, और इसका जाली भी दिखा दूंगा आप लोगों को। देखिए इधर ये लोग मसाला लेके जा रहा है, और नीचे का ढलाई अभी शुरू कर दिया। नीचे का ढलाई सब कुछ कम्प्लीट हो जाने के बाद ना, इसमें आप लोग क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा ये सब कुछ भी आप लोग को देखाऊंगा। पहले आप लोग नीचे का ढलाई हो जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग दूसरा काम करूंगा। अभी देखिए इधर जो हम लोग का गाड़ी है ना, एक गाड़ी आया सीमेंट लेके, सीमेंट का ज़रूरत है इसलिए हम लोग सीमेंट इधर लेके आया। और अभी देखिए ये गाड़ी में उठ के उसके बाद ये लोग इस सीमेंट को अनलोडिंग कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी जो गाड़ी आता है ना, उस गाड़ी के साथ लेबर आता है, और कभी कभी नहीं आता है। जो साइड में लेबर रहता है वो लोग ये सब कुछ काम करता है, और अभी ये सब कुछ इस साइड का काम करेगा। और इधर जेसीबी लगा के हम लोग इसको पूरा मिट्टी को हटा रहा हो, लेकिन बाई चांस इधर नीचे का ढलाई हो जाने के बाद बारिश कुछ भी देगा तो वो साइड का मिट्टी आपका फिर से गिर जाएगा, इसके वजह से हम लोग हटा रहा हो उसको। अभी पूरा बॉकेट से जेसीबी हटा रहा है, जेसीबी को लगा दिया इसकी वजह से। लेकिन अभी कभी कभी क्या होता है, थोड़ा टाइम भी ज़्यादा चला जाता है, उसके लिए आप लोग बुरा मत मानिए। हाँ, जो कभी कभी हटाना पड़ता है, मिट्टी नहीं हटाने से आपका टैंकी प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आप लोग प्रॉपर चेक कर लीजिए। और ये लोग ना अभी नीचे का जो जाली है ना, वो जाली को चारों साइड से ठीक करके बैठा रहा है। जाली बैठ जाने के बाद फिर दोबारा इसमें ढलाई होगा। ढलाई कैसे करेगा वो भी दिखाऊंगा। देखिए कितना लेबर मिस्त्री इसको पकड़ के बैठा रहा है। ये सब कुछ बैठने का टाइम में थोड़ा टाइम चला जाता है, लेकिन क्या करें, उपाय नहीं है ना, इसको तो सही से बैठाना पड़ता है, लेकिन सही से नहीं होने से फिर दोबारा करना पड़ता है, इसलिए पहले एक बार में सही से कर देना चाहिए। अभी ये लेबर मिस्त्री जो टगारी है, टगारी से मसाला सब कुछ लेके जा रहा है। हम लोग का एक जगह पर ढलाई का काम शुरू हुआ, और ढलाई का काम अभी रनिंग में है, ये लोग ढलाई कर रहे हैं। लेकिन हम लोग का जो टेंकी है ना, RCC टेंकी, उसका स्लैब ढलाई कर रहा है। स्लैब कैसे करके होता है क्या नहीं होता है देखिएगा। ये सब कुछ स्लैब है, इसको पूरा प्रॉपर एक फुट करके ढलाई करके इसको ख़त्म कर देगा ये लोग। अभी इसमें हाँ वाइब्रेशन मिशिंग भी लेके आया, और देखिएगा इधर वाइब्रेशन मिशिंग भी मार रहा है। लेकिन वाइब्रेशन मिशिंग मारने से क्या होता है, जो ढलाई है ना उसमें लीक कुछ भी नहीं निकलता है, और आपका फिनिशिंग भी अच्छा होता है। इसलिए आप लोग कोई भी जगह पर RCC टेंकी का जो स्लैब है ना, उस स्लैब ढलाई करने के टाइम में जो
ढलाई पार्टी है वो लोग को बोल दीजिएगा जो आप लोग ढलाई मशीन के साथ एक वाइब्रेटर मशीन भी लेकर आएगा, नहीं तो आपका ढलाई अच्छा नहीं होगा। और अभी जो ढलाई होता है ना वो पूरा हार्ड होता है, तो इसलिए बाई चांस लीक और कुछ भी होता है तो पानी घुसेगा, इसकी वजह से आप लोग सही से फिनिशिंग भी होगा, सब कुछ भी होगा। इसलिए फिनिशिंग देने के लिए आप लोग वाइब्रेटर मशीन को वो लोग को साथ में लाने के लिए बोल दीजिएगा, नहीं लाने से तो वो आपका नुकसान होता है ना, जो आपका ढलाई भी अच्छा नहीं होगा, फिर दोबारा उसको फिनिशिंग देने के लिए दूसरा आदमी भेजना पड़ेगा। इसकी वजह से आप लोग को मैं हमेशा बोल रहा हूँ जो जब आप लोग ढलाई करेगा उसके पहले ढलाई पार्टी से बात कीजिएगा, बात हो जाने के बाद वो लोग को बोल दीजिए आप लोग का टाइम एंड कंडीशन, ढलाई के साथ आपका एक वाइब्रेटर मशीन, उसके बाद पानी जमा करने वाला एक ड्राम और उसके बाद छोटा मोटा मोटर एक ठू लेके आने के लिए बोलिएगा वो लोग को। और अभी ढलाई तो पूरा कर रहा है, मशीन सब कुछ चालू करके ये सब कुछ भी कर रहा है, लेकिन ये सब कुछ हो जाने के बाद अभी ढलाई कंप्लीट जब होगा उस टाइम आप लोगों को दिखाऊंगा, देखिएगा ढलाई कंप्लीट हो जाने के बाद कैसे होता है। और ये लोग बहुत मेहनत करता है, ढलाई का काम बहुत महंगा काम है, बहुत हाई परिश्रम का काम है, ये सब कुछ भी करने के लिए ये लोग को थोड़ा परिश्रम चाहिए और ये लोग का रेट भी थोड़ा अलग होता है, लेकिन इतना मोटा ढलाई करने के लिए तो बहुत टाइम चला जाता है। इसकी वजह से आप लोग हाँ कभी कभी क्या होता है टाइम की वजह से मौसम की वजह से सब कुछ होता है। आज का वीडियो इतना ही, देखा के मैं, थैंक यू, बाय बाय।